हर साल देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से लोग बॉलीवुड में आते हैं, बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए, राइट। वर्ल्ड के कोने कोने से लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के कोने कोने से आते हैं, वर्ल्ड के हर कोने से लोग आते हैं बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बॉलीवुड में आबाद हो जाते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो बॉलीवुड में लिटरली बर्बाद हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हिंदुस्तान के किसी सर्टन फिल्म इंडस्ट्री में या हिंदुस्तानी किसी सर्टन म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम होते हैं, वो जब बॉलीवुड में आते हैं तो उनको खाक छानना पड़ता है, और खाक छानने के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिलता। एक एग्जाम्पल है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। मनोज तिवारी ने बिग बॉस किया था, बिग बॉस करने के बाद वो बहुत साल तक मुंबई में रुके हुए थे, बहुत से डायरेक्टर्स बहुत से प्रोड्यूसर्स के चक्कर वो लगाए, उनको एक हिंदी फिल्म में एक सिंगल सीन करने का भी मौका नहीं मिला। मे बी उन्होंने कोई बी ग्रेड या सी ग्रेड हिंदी फिल्म की होगी, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में उनको किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में काम करने का मौका नहीं मिला, राइट। और वो भोजपुरी फिल्म्स के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। वैसे पंजाबी फिल्म्स के, पंजाबी म्यूजिक के बहुत बड़े सुपरस्टार स्टार्स हिंदी फिल्म्स में आते हैं, बॉलीवुड में आते हैं अपना नाम कमाने के लिए, और बहुत रेयरली ही ऐसा होता है यार कि किसी को नाम मिला हो, कोई अपना धौंस जमा पाया हो बॉलीवुड में, राइट। टेक द केस ऑफ गुरु रंधावा। गुरु रंधावा का एक पेपर में इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, और गुरु रंधावा ने उस इंटरव्यू में ऐसा कहा, वो इशारे में ऐसा कह रहे थे कि वो पंजाब के फेमस आर्टिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा। वो इस एंगल को पुश करना चाहते थे कि देखो पंजाब के आर्टिस्ट को बॉलीवुड में उनका ड्यू नहीं मिलता वगैरह वगैरह, राइट। लुक, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। द थिंग विद गुरु रंधावा इज, गुरु रंधावा के कुछ गाने इंडिया में बहुत फेमस हुए, राइट। सूट सूट गाना उनका एक बहुत फेमस हुआ था, इशारे तेरे गाना उनका बहुत फेमस हुआ था, लाहौर लग दिया उनका गाना बहुत फेमस हुआ था, बन जा तू मेरी रानी उनका गाना बहुत फेमस हुआ था। वो इंडिया में जाने गए थे, इंडिया में वो फेमस हो गए थे, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वो चाहते थे कि वो बॉलीवुड में आए, और बॉलीवुड में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ सिंगर वो बड़ा नाम बन जाए, राइट। और बॉलीवुड में वो पिछले 6-7 साल से ट्राई कर रहे हैं, 2017 से गुरु रंधावा बॉलीवुड में है, और तकरीबन 6.5 साल इस वक्त हो चुके हैं। नवंबर 2017 में एक फिल्म आई थी तुम्हारी सुलू, उसका एक गाना था बन जा तू मेरी रानी, जो अगेन हिट हुआ था, लेकिन वो गाना भी गुरु रंधावा की एक एल्बम जो 2015 या 2016 में आई थी, उस गाने का रिक्रिएशन था इन द फिल्म तुम्हारी सुलू, विद्या बालन पे फिल्माया गया था, एंड वो गाना फेमस हुआ था। तकरीबन 6-6.5 साल हो चुके हैं गुरु रंधावा किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, अभी बड़े डायरेक्टर भी नहीं बन पाए हैं और बड़े सिंगर भी नहीं बन पाए हैं। इस साल उनकी एक फिल्म भी आई है जिसमें उन्होंने एज अ लीड हीरो काम करने की कोशिश की है, वो फिल्म ने भी लिटरली बॉक्स ऑफिस में पानी नहीं मांगा, उस वो फिल्म को लोग भूल भी जाएंगे, प्रोड्यूसर्स का मेजर लॉस हुआ उस फिल्म में। और अब गुरु रंधावा के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई है, अब गुरु रंधावा के अंदर बिटरनेस आ गई है, उनको ऐसा लगता है कि उनको बॉलीवुड में उनका ड्यू नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, राइट। बट सबसे पहले मैं ये बता दूं यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना बहुत मुश्किल काम है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद उस नाम को बरकरार रखना, उस नाम को जिंदा रखना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये लिटरली बहुत मुश्किल काम है, राइट। ये हर किसी के लिए नहीं हो सकता, ये हर किसी के लिए नहीं हो सकता। गुरु रंधावा को ऐसा लगता है कि वो पंजाब में कुछ पंजाबी गाने गाए और पंजाबी गाने इंडिया में बहुत हिट हुए, तो बॉलीवुड में आएंगे और बॉलीवुड में भी उनको गाने बनाने का मौका मिलेगा इन मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म, तो वैसा नहीं होने वाला, वैसा नहीं होने वाला। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, ये बॉलीवुड है, यहाँ पे देश के बड़े बड़े तुर्रम खान आए, पंजाब के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और बड़े बड़े सिंगर्स आए, और उनको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला। उन सिंगर्स को फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला। 1995-1996 में दलेर मेहंदी एक बहुत बड़ा नाम थे, दलेर मेहंदी साहब एक बहुत बड़ा नाम थे, उनके 2-3 गाने इंडिया में हिट हुए थे, और दलेर मेहंदी ने बहुत से इंटरव्यूज दिए थे। उन इंटरव्यूज में दलेर मेहंदी ने ये कहा था कि वो जाएंगे बॉलीवुड में, बॉलीवुड वालों को दिखाएंगे कि म्यूजिक कैसे बनता है और फिल्म से गाने कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह। दलेर मेहंदी मुंबई आए, मुंबई में वो बहुत साल तक रहे, और मुंबई में दलेर मेहंदी ने किसी भी एक फिल्म का ब्लॉकबस्टर एल्बम क्रिएट नहीं किया, लिटरली एक फिल्म का ब्लॉकबस्टर एल्बम क्रिएट नहीं किया। दलेर मेहंदी के कुछ गाने जो बॉलीवुड में चले, वो भी बॉलीवुड वालों ने ही दलेर मेहंदी को दिए थे। उनका एक गाना चला था दलेर मेहंदी का अर्जुन पंडित फिल्म से, जिसका नाम था ओए होए कुड़िया शहर दिया, जो कि दिलीप सेन और समीर सेन नाम के दो ब्रदर्स थे, उन लोगों ने गाना क्रिएट किया था, वो गाना दलेर मेहंदी को गाने के लिए दिया था। उसके कुछ साल के बाद ए आर रहमान का एक गाना था रंग दे बसंती फिल्म से, रंग दे बसंती का टाइटल ट्रैक, वो रहमान ने दलेर मेहंदी को गाने दिया था। उसके कुछ साल के बाद दंगल एक फिल्म आई थी, प्रीतम ने दंगल का टाइटल ट्रैक दलेर मेहंदी को गाने दिया था, और ऐसे ही बीच में और कुछ 2-4 गाने आएंगे दलेर मेहंदी को तो आए होंगे, लेकिन दलेर मेहंदी ने जो इंटरव्यूज दिए थे 1995-1996 में, राइट, उन गानों के हिट होने के बाद, बल्ले बल्ले या यू नो और भी उनका कुछ गाना तुरुक तुरुक तुम तारा रा, उन गानों के हिट होने के बाद उन्होंने बहुत से न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड के गाने अच्छे नहीं और वो बॉलीवुड को दिखाएंगे गाने कैसे बनते हैं। दलेर मेहंदी वो करने में बिल्कुल ही नाकामयाब थे, बिल्कुल ही नाकामयाब हो गए, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस समय गाने नहीं बनते हैं जिस समय गाने दलेर मेहंदी बना रहे थे। गुरदास मान, गुरदास मान एक बहुत बड़ा नाम थे, गुरदास मान ने भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, और गुरदास मान को वैसे बॉलीवुड में खाक ही छाननी पड़ी थी। गुरदास मान ने यहाँ वहां कुछ फिल्म में कुछ सीन्स किए, वीर ज़ारा में वो आते हैं,
ऐसा देश है मेरा गाने में, और ऐसी कुछ फिल्म्स में, कुछ सीन्स में एक स्टैंजा गाने के लिए यहाँ वहां आते हैं, किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में गुरदास मान बॉलीवुड से जुड़ नहीं पाए। बॉलीवुड की लेजेंड बनना तो बहुत दूर की बात है, और गुरदास मान पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लेजेंड है, राइट। हनी सिंह, हनी सिंह ने पंजाब में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए बहुत नाम कमाया था। हनी सिंह बॉलीवुड में आए, और हनी सिंह के पास जो एक वो लॉट था गानों का, वो गानों का लॉट जब तक हनी सिंह ने बॉलीवुड को दिया, बॉलीवुड में उनकी बात बनी, लेकिन जैसे ही वो गानों का लॉट हनी सिंह का खत्म हो गया, हनी सिंह को किसी ने भी काम देना बंद कर दिया, राइट। और हनी सिंह हो, चाहे गुरदास मान हो, चाहे दलेर मेहंदी हो, ये भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब के आर्टिस्ट हैं, बड़े नाम थे पंजाब में, बॉलीवुड में। लिटरली हनी सिंह ने तो कुछ टाइम काम किया, कुछ टाइम उन्होंने कुछ म्यूजिक क्रिएट किया 3-4 साल, लेकिन दलेर मेहंदी और गुरदास मान को तो लिटरली फ्रस्ट्रेशन ही हाथ में लगी और उनको कुछ नहीं मिला, और उनको कुछ नहीं मिला। और सेम चीज हर उस आर्टिस्ट के साथ होगा जिसको लगता है कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आएगा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बात बनने लग जाएगी। ये होने वाला ही नहीं है, ये होने वाला ही नहीं है। द रीजन इज कि गुरु रंधावा ने जो भी गाने क्रिएट किए हैं, राइट, उन्होंने एज अ सोलो कंपोजर सिर्फ एक गाना आई थिंक क्रिएट किया जो बहुत बड़ा हिट हुआ है, वो है इशारे तेरे। बाकी सूट सूट गाना उन्होंने एक दो लड़कों के साथ क्रिएट किया था, एक रजत नागपाल नाम के बंदे थे, अर्जुन नाम के एक इंसान थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने सूट सूट क्रिएट किया था। देन मिलिंद काबा के साथ उन्होंने कुछ गाने क्रिएट किए थे, इशारे तेरे उन्होंने सोलो सोलो क्रिएट किया था। देन लगती लाहौर दिया, वो भी आई थिंक गुरु रंधावा और रजत नागपाल ने साथ में मिलकर क्रिएट किया था, लेकिन रजत नागपाल भी इंडस्ट्री में अकेले काम करना चाहते थे, बॉलीवुड में अकेले आगे बढ़ना चाहते थे, तो पिछले 4-5 साल से रजत नागपाल और गुरु रंधावा भी साथ में कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। और गुरु रंधावा को कोई भी बड़ा फिल्म मेकर एज अ लीड म्यूजिक डायरेक्टर काम तो बिल्कुल नहीं देने वाला, वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज गुरु रंधावा ने जो भी गाने क्रिएट किए वो कौन से गाने, सूट सूट गाना, राइट, तेनू सूट सूट करता, लगती लाहौर दिया, राइट, या फिर कौन सा गाना है, इशारे तेरे, राइट, या बन जा तू मेरी रानी, ये सारे गाने के बोल आप देखोगे तो सारे गाने ऐसे हैं जो हीरो, राइट, एक हीरोइन के लिए गा रहा है, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गा रहा है और प्यार का इजहार कर रहा है, प्यार का इजहार कर रहा है। सारे गाने वर्क स्टेशन पे बनाए गए, एक सॉफ्टवेयर आता है लॉजिक प्रो, राइट, उस पर आप बैठ के ऑटो ट्यून के साथ गाने बना सकते हो, सारे गानों की बीट्स ऐसे ही है गुरु रंधावा के, जो सारे गाने मैंने गिनाए, राइट। एक एप्पल का वर्क स्टेशन आता है, सॉफ्टवेयर आता है, जिसका नाम है गैरेज साउंड, राइट, उस पे बैठ करके गुरु रंधावा ने इन सब टाइप के गानों को बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि गाने में किसी भी वे शेप में हारमोनियम या फ्लूट या तबला या सितार या वीणा का इस्तेमाल नहीं किया गया, सारे गाने ढिचिक ढिचिक वाले गाने हैं, और ये सारे गाने ऑटो ट्यून वाले सॉफ्टवेयर को यूज करके इन वर्क स्टेशन में बनाए जाते हैं। लॉजिक प्रो बहुत फेमस है, एप्पल का एक सॉफ्टवेयर है गैरेज क्लाउड, वो बहुत ज्यादा फेमस है, और उनको लेकर के गाने बनाए जाते हैं। और हिंदी फिल्म उस हिसाब से गाने नहीं बनते, हिंदी फिल्म उस हिसाब से गाने नहीं बनते। गुरु रंधावा की फोटो सिर्फ ये है कि वो पार्टी ट्रैक्स बनाते हैं, राइट, और सारे पार्टी ट्रैक्स में प्रेमी प्रेमिका के लिए प्यार का इजहार कर रहा है या प्यार का प्रस्ताव रख रहा है, राइट। लेकिन क्या गुरु रंधावा एक ऐसा पार्टी ट्रैक बना सकते हैं जो दिल टूटने के ऊपर हो, राइट, दिल टूटने के ऊपर हो। एक पार्टी ट्रैक मेरे नजर में आ रहा है जो पार्टी ट्रैक है लेकिन दिल टूटने वाला पार्टी ट्रैक है, फ्रॉम द फिल्म ओम शांति ओम, जो विशाल शेखर ने क्रिएट किया है, जावेद अख्तर के मैजिकल लिरिक्स, गाने का नाम है दर्द डिस्को। वो पार्टी ट्रैक है लेकिन वो दिल टूटने वाला पार्टी ट्रैक है, राइट। उस गाने के लिरिक्स भी उतने मैजिकल वे में जावेद अख्तर ने लिखे हैं, म्यूजिक भी मैजिकल है और सुखविंदर सिंह ने बहुत बेहतरीन तरीके से गाया है, पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी है, राइट। क्या वैसा पार्टी ट्रैक गुरु रंधावा क्रिएट कर सकते हैं? गुरु रंधावा पार्टी ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन सारे पार्टी ट्रैक्स प्रेमी प्रेमिका के लिए गा रहे वैसे पार्टी ट्रैक्स क्रिएट कर सकते हैं? क्या गुरु रंधावा दर्द डिस्को जैसा पार्टी ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं जो दिल टूटने वाला पार्टी ट्रैक है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। और उस वे में यार गुरु रंधावा आगे बढ़ नहीं सकते। अभी तक गुरु रंधावा को यही नहीं पता है यार कि गुरु रंधावा को क्या म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या गुरु रंधावा को सिंगर बनना है, क्योंकि सिंगर गुरु रंधावा का बड़ा सिंगर बनना बहुत मुश्किल काम है, वो बहुत मुश्किल काम है। गुरु रंधावा की वॉइस अच्छी नहीं है, गुरु रंधावा की वॉइस बहुत ही बेकार है, गुरु रंधावा की वॉइस बहुत ही खराब है, किसी भी वे में उनकी वॉइस जहर की तरह लोगों के मन में नहीं चढ़ती है, राइट। उन्होंने गाना गाया था जुग जुग जियो फिल्म में जिसका नाम था नैन ते हीरे, बहुत ही पुअर गाना, बहुत ही पुअर गाना, लेकिन बिना खराब, बिना अच्छी वॉइस के, एक खराब वॉइस के साथ, एक एवरेज वॉइस के साथ भी आप टॉप के सिंगर बन सकते हो। मीका सिंह के साथ ये हुआ है, लेकिन मीका सिंह के लिए इसलिए हुआ बिकॉज प्रीतम ने एक दौर था जहां पे अपने सारे पार्टी ट्रैक्स मीका सिंह को दिए, इसलिए मीका के लिए हुआ। प्रीतम के उन सारे पार्टी ट्रैक्स में गाना गाने के बाद, प्रीतम के उन सारे म्यूजिक को कंपोज करने के बाद, मीका सिंह की मुलाकात अक्षय कुमार से हुई, मीका सिंह की मुलाकात सलमान खान से हुई, और अक्षय और सलमान से भी मीका सिंह की पट गई, और अक्षय सलमान ने मीका सिंह के लिए बहुत सी रिकमेंडेशंस दी और मीका सिंह ने लगातार पार्टी ट्रैक्स गाए। लेकिन अरिजीत सिंह के राइस के बाद इवन प्रीतम ने मीका सिंह को पार्टी ट्रैक्स नहीं दिए हैं। इस वक्त अरिजीत जो मीका के, जो प्रीतम के पार्टी ट्रैक्स है वो भी अरिजीत गा रहे हैं, प्रीतम के दर्द भरे गाने वो भी अरिजीत गा रहे हैं, जो प्रेम वाले गाने वो भी अरिजीत गा रहे हैं, जो डिवोशनल गाने वो भी अरिजीत गा रहे हैं, मोटिवेशनल गाने वो भी अरिजीत गा रहे हैं, नोकझोंक वाले गाने वो भी अरिजीत गा रहे हैं। प्रीतम के सारे गाने इस वक्त अरिजीत ही गा रहे हैं, राइट। और मीका सिंह को भी प्रीतम ने साइडलाइन कर दिया है, पार्टी ट्रैक्स भी सिर्फ अरिजीत ही गा रहे हैं।
तो मीका सिंह की आवाज अच्छी नहीं थी, मीका सिंह की आवाज बहुत ही पुअर थी, मीका सिंह की आवाज बहुत ही एवरेज थी, लेकिन क्योंकि उनको प्रीतम की उन मैजिकल धुनों में गाने गाने का अवसर मिला तो मीका सिंह एक बड़े पार्टी सिंगर बन गए। वैसा ही कुछ गुरु रंधावा के लिए हो तो हो, लेकिन वो इस वक्त होते हुए नजर नहीं आ रहा, इस वक्त होते हुए नजर नहीं आ रहा। इस वक्त सिर्फ प्रीतम ही है जो मैजिकल गाने बैक टू बैक क्रिएट कर सकते हैं, और प्रीतम के हेडलाइनिंग सिंगर इस वक्त है अरिजीत सिंह, और कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जो गुरु रंधावा को बैक करना चाहता है, कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं जो गुरु रंधावा को बैक करना चाहता है, राइट। गुरु रंधावा ने फिल्म्स में भी एज अ लीड हीरो ट्राई किया, उन्होंने किसी प्रोड्यूसर को फंसाया, कोई दिल्ली का ही प्रोड्यूसर, आई डोंट नो। गुरु रंधावा ऑफ कोर्स दिल्ली पंजाब में बड़ा नाम है, तो कोई प्रोड्यूसर है अमित भाटिया नाम का, वो फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहता था, उसने फिल्म में पैसा लगाया, कुछ मीठा हो जाए या कुछ खट्टा हो जाए, ऐसा कुछ आई थिंक फिल्म का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ खट्टा हो जाए शायद फिल्म का नाम है, गुरु रंधावा की डेब्यू फिल्म विद साई मांजरेकर, उसमें किसी दिल्ली के प्रोड्यूसर के पैसे लगे हैं, वो पैसे पूरे डूब गए, फिल्म वॉश आउट हो गई, राइट। और गुरु रंधावा के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वो इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे थे कि यू नो पंजाब के आर्टिस्ट को बॉलीवुड में उनका ड्यू नहीं मिलता, राइट। द रियलिटी इज कि आप कहीं के भी आर्टिस्ट हो मैटर नहीं करता, आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो मैटर नहीं करता, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है। क्या आप सिचुएशन के हिसाब से मल्टीपल गाने क्रिएट कर सकते हो? द आंसर इज नो, आप सिर्फ एक ही टाइप के गाने क्रिएट कर सकते हो, और वो है पार्टी ट्रैक्स। और पार्टी ट्रैक्स भी कौन से, जो प्रेमी प्रेमिका के लिए प्यार का इजहार कर रहा है, प्यार का प्रस्ताव रख रहा है, वैसे बात नहीं बन सकती, वैसे आपकी बात नहीं बन सकती। जैसा कि मैंने कहा, विशाल शेखर ने पार्टी ट्रैक क्रिएट किया, लेकिन दिल टूटने का पार्टी ट्रैक क्रिएट किया, दर्द डिस्को जैसा मैजिकल ट्रैक, वो गुरु रंधावा नहीं कर सकते, वो गुरु रंधावा नहीं कर सकते यार। गुरु रंधावा को अगर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए यार दो ही चीजें होती हैं कोई भी आउटसाइडर के लिए, या तो एक जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर हो, राइट, कि उसके अंदर क्रिएटिविटी एकदम फ्लो कर रही है, राइट, और वो समझ रहा है हिंदी फिल्म्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हिंदी फिल्म्स की डिमांड्स क्या होती हैं, और वो लिटरली एक प्रोडिजी है, एक जीनियस है, आर डी बर्मन जैसा, प्रीतम जैसा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा, शंकर जयकिशन जैसा, कि वो लिटरली यू नो अकेले आगे निकल जाए, बहुत तेजी से आगे निकल जाए। अदरवाइज ये हो सकता है यार कि आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करो, राइट। अरिजीत सिंह प्रीतम के लिए काम करते थे, राइट, वहां पे पियानो बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे, एंड देन यू नो किस्मत भी काम की और अरिजीत सिंह को गाने मिलने लग गए, वैसा कुछ गुरु रंधावा के लिए हो। बट द रियलिटी इज कि कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर गुरु रंधावा को अपनी टीम में काम करने देगा? क्या विशाल शेखर काम करने देंगे? शंकर एहसान लॉय काम करने देंगे? प्रीतम काम करने देंगे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। गुरु रंधावा को फ्लूट बजाने नहीं आती, गुरु रंधावा को हारमोनियम बजाने नहीं आता, तबला बजाने नहीं आता, वीणा बजाने नहीं आता, सितार बजाने नहीं आता। आई एम श्योर गुरु रंधावा को गिटार बजाने आता होगा, बिकॉज आज की डेट में हर म्यूजिशियन सिर्फ गिटार ही बजा रहा है, राइट, या सिर्फ ड्रम्स बजा रहा है, राइट। पर इसमें बात नहीं बन सकती, या तो आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करो, उसकी टीम में आप समझो कि हिंदी फिल्म्स में म्यूजिक की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या डिमांड होता है, कैसे एक कॉम्पोजिशन को क्रिएट किया जाता है, राइट, किन वर्ड्स पे ज्यादा पंच दिया जाता है, कितने ड्राफ्ट लिखे जाते हैं, कौन सा ड्राफ्ट एक्सेप्ट होता है, जो ड्राफ्ट एक्सेप्ट होता है वो क्यों एक्सेप्ट होता है, जो ड्राफ्ट रिजेक्ट होता है वो क्यों रिजेक्ट होता है, जो धुन एक्सेप्ट होती है वो क्यों एक्सेप्ट होती है, जो धुन रिजेक्ट होती है वो क्यों रिजेक्ट होती है, इसके ऊपर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करो, टाइम काम करो, देन आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर अपनी किस्मत आजमा सकते हो, राइट। लेकिन ऐसा सोचना कि यार मैं पंजाब में 2-4-10 पार्टी ट्रैक्स गाया हूँ, वो पार्टी ट्रैक्स हिट हो गए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बात बन जाएगी, ये लगभग ही नामुमकिन काम है। ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये लगभग ही नामुमकिन काम है यार। जैसा कि मैंने कहा, बॉलीवुड में अपने नाम को बनाना किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में, स्पेशली एज एन एक्टर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ सिंगर, ये बहुत मुश्किल काम है, ये लिटरली बहुत मुश्किल काम है। अपने नाम को बनाने के बाद उस नाम को जिंदा रखना, ये और भी मुश्किल काम है, ये और भी मुश्किल काम है, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा यार, दलेर मेहंदी एक बहुत बड़े सिंगर थे, म्यूजिक कंपोजर थे 1990s में, दलेर मेहंदी ने बहुत से दावे किए थे कि मैं बॉलीवुड को दिखाऊंगा गाने कैसे बनते हैं। दलेर मेहंदी को फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं लगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ भी उनके हाथ में नहीं लगा। जो गाने उनके हिट हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में, वो भी वही गाने थे जो बॉलीवुड वालों ने उनको दिए, राइट, अदरवाइज तो वो भी नहीं होता दलेर मेहंदी से। ये बहुत मुश्किल काम है, गुरु रंधावा को देखने की जरूरत है कि वो क्या करना चाहते हैं, राइट। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस वक्त उनके पास लग्जरी है, उनके पास कार है, उनके पास घर है, वो पिटबुल के साथ जो इंटरनेशनल रैपर उनके साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं, वो फॉरेन्स में वेकेशन मना रहे हैं, टी सीरीज के साथ वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में है, तो क्या वो अब मगजमारी करेंगे? क्या वो जाकर के धक्के खाएंगे? क्या वो म्यूजिक किसी म्यूजिक डायरेक्टर की टीम में शामिल होना चाहेंगे? द आंसर इज नो यार, आप लग्जरी आ जाने के बाद, आपके मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरे हो जाने के बाद, तो बहुत मुश्किल है यार कि आप फिर से मगजमारी करोगे, जीरो से शुरू करोगे हिंदी फिल्म्स में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर नाम बनाने के लिए, या जीरो से शुरू करोगे हिंदी फिल्म्स में एज अ सिंगर आगे बढ़ने के लिए। वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला, राइट। गुरु रंधावा के लिए वैसा ही कुछ हो सकता है कि प्रीतम जैसा कोई जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर गुरु रंधावा को बैक टू बैक टू बैक पार्टी ट्रैक्स दे, वैसा कुछ हो, या कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर आए जो प्रीतम को राइवल करना चाहता हो और वो गुरु रंधावा को बैक टू बैक पार्टी ट्रैक्स दे, क्योंकि गुरु रंधावा के पास मेलेडी सॉन्ग्स के लिए, दिल टूटने के सॉन्ग्स के लिए सूटेबल नहीं है यार, सूटेबल नहीं है। ये सारी चीजें हैं, मैं इंटरव्यू भी बस मैंने पढ़ा गुरु रंधावा का, और उसमें गुरु रंधावा ने बोला कि पंजाब के आर्टिस्ट को उनका ड्यू नहीं मिल रहा, उन्होंने ऐसा डायरेक्टली कहा नहीं, वो इशारे में कह रहे थे, बट
ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा। गुरदास मान, हनी सिंह, दलेर मेहंदी, ये सब बड़े नाम से, अमर सिंह चमकीला नाम के एक सिंगर हुआ करते थे पंजाब में, उन लोगों को बॉलीवुड में खाक छानना पड़ा। उनके उनकी बात ही नहीं बनी। मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार थे, बिग बॉस करने के बाद वो 10 साल तक मुंबई में थे, उनके हाथ में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लगा, उनके हाथ में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लगा, बिकॉज मनोज तिवारी की इमेज बन गई थी। उस इमेज को ब्रेक करने के लिए बॉलीवुड वाले कभी भी अपने एनर्जी मनी रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे। आप उनके कोई नहीं लगते हो, आप उनके कोई नहीं लगते हो, और आप एवरेज काम करते हो, तो यार वो किसी नए लड़के के ऊपर दांव खेल जाएंगे। वो बेटर है एज कम्पेयर टू मनोज बाजपेयी का इमेज ब्रेक करना। सनी लियोनी, राइट, सनी लियोनी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई की थी, शी इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी, शी इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी, लेकिन कोई भी बॉलीवुड का प्रोड्यूसर डायरेक्टर सनी लियोनी की उस इमेज को ब्रेक नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हो सकता है करने से वो चीज ब्रेक हो जाए, लोग सोचे कि नहीं टैलेंटेड है, हिंदी फिल्म में काम कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बट उस इमेज को ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी, वो मनी, वो रिसोर्सेज, वो माइट कौन लगाएगा? कोई आपको ग्रूम क्यों करेगा? कोई नए लड़के लड़कियों को ग्रूम कर लेगा, लेकिन लोग आपकी इमेज ब्रेक नहीं करेंगे यार। You know, as an actor, as a music director, यार आप एक ही टाइप के गाने क्रिएट कर सकते हो, अपनी बात नहीं बन सकती। That's the way it is, यार। तो गुरु रंधावा को चीजों को देखने की जरूरत है। 7 साल हो गए तकरीबन गुरु रंधावा को मुंबई में होते हुए, बॉलीवुड में किस्मत आजमाते हुए, लेकिन अभी तक वो अपने पैर गाड़ नहीं पाए, ना एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ना एज अ सिंगर। अब वो एज अ लीड हीरो भी ट्राई कर रहे हैं। चलो बाय।